हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई बी एल डार्क ब्लू किस के एपिसोड 5 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। नॉन काओ को मैसेज करके अपनी शर्ट वापस मांगता है। पीत ये मैसेज देख लेता है और पूछता है कि नॉन किस शर्ट की बात कर रहा है। तुमने तो कहा था कि तुमने उसे पढ़ाना बंद कर दिया है, फिर ये क्या है? काओ कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। काओ पीत को अपनी और नॉन की फर्स्ट मीटिंग वाली बात बता देता है। पीत पूछता है, तुमने उसकी शर्ट पहले रिटर्न क्यों नहीं की? काओ कहता है, मैं भूल गया था। पीत का चेहरा देख कर काओ कहता है, तुम मेरी पूरी बात सुने बिना ही गुस्सा होने लगते हो। पीत कहता है, अगर मुझे ऐसे कोई मैसेज करता तो क्या तुम गुस्सा नहीं होते? काओ कहता है, मेरे और नॉन के बीच में कुछ भी नहीं है, तो अगली बार गुस्सा होने से पहले तुम मेरी बात ज़रूर सुन लेना। पहले तो पीत कहता है कि मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, फिर काओ को अपसेट देख कर कहता है कि मैं कोशिश करूँगा। पीत काओ को नॉन की शर्ट जल्दी रिटर्न करने को कहता है। काओ मान जाता है। काओ नॉन को अगले दिन मिलने का मैसेज करता है। रेन मनाओ को केक बनाना सिखाने लगता है। मनाओ रेन को थैंक्स कहती है। रेन कहता है, अगर तुम्हें कुछ और भी बनाना सीखना हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। मनाओ मान जाती है। मनाओ रेन से मॉर्क के बारे में पूछती है, तो रेन कहता है, मॉर्क सन के साथ बाकी कॉफ़ी शॉप्स की कॉफ़ी टेस्ट करने गया हुआ है। मनाओ रेन को केक देकर कहती है कि ये आपके लिए है और मॉर्क के लिए है, तो आप उन्हें भी याद से दे दीजिएगा। रेन मान जाता है। मनाओ बाय बोल कर चली जाती है। सन एक कैफ़े के डेकोरेशन की तारीफ करता है, तो मॉर्क कहता है, आप भी ये लुक ट्राई कर सकते हो। सन कहता है, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं अभी। मॉर्क कहता है, जब आप कंपटीशन जीत जाओगे तो आपके पास पैसे भी हो जाएंगे। दोनों कई कॉफ़ी शॉप जाते हैं। सन कहता है, आज हम इसी कैफ़े तक की कॉफ़ी टेस्ट करेंगे। मॉर्क कहता है, मैं भी कॉफ़ी टेस्ट कर करके थक गया हूँ। सन कहता है, मैं थका नहीं हूँ बल्कि मुझे नींद आ रही है। मॉर्क कहता है, आपने इतनी कॉफ़ी पी है फिर भी आपको नींद क्यों आ रही है? मैं तो आज रात को सो भी नहीं पाऊंगा। सन कहता है, कॉफ़ी का अलग अलग इंसान पर अलग अलग असर होता है। तुम कॉफ़ी पीकर सो नहीं पाते और मुझे कॉफ़ी पीने से नींद आने लगती है। सन को यहाँ की कॉफ़ी अच्छी और यूनिक लगती है, तो सन बरिश्ता के पास जाकर कॉफ़ी की तारीफ करके पूछता है कि वो कौन सी कॉफ़ी बीन्स यूज़ करता है, पर बरिश्ता उसे नहीं बताता है और कहता है कि ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है, इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ। सन जिद करता है, पर फिर भी वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। सन का चेहरा देखकर मॉर्क हंसने लगता है। सन पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? मॉर्क कहता है, आपने उसकी इतनी तारीफ की और उसे ब्राइब देने की भी कोशिश की, फिर भी आप हार गए। सन कहता है, अगर तुम इतने ही स्मार्ट हो तो तुम पता करके दिखाओ ना। मॉर्क कहता है, आप मुझे मेरी सीक्रेट वापस कीजिए। सन कहता है, ये स्मोक करने का टाइम थोड़ी ना है। मॉर्क के जिद करने पर सन उसे सीक्रेट वापस दे देता है। बरिश्ता को बाहर जाकर स्मोक करता देख मॉर्क उससे लाइटर मांगता है। बरिश्ता उसे दे देता है। मॉर्क उससे बातों बातों में उससे जॉब के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि मैं नई जॉब के तलाश में हूँ क्योंकि मेरा अभी का बॉस घटिया कॉफ़ी बीन्स यूज़ करता है। मॉर्क पूछता है, आप लोग कौन सी कॉफ़ी बीन्स यूज़ करते हैं? बरिश्ता हंसकर कहता है, तुम दूसरे इंसान हो जिसने आज मुझसे ये सवाल पूछा है, पर मैं ये किसी को भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मेरा ओनर बहुत स्ट्रिक्ट है। मॉर्क की कोशिश फेल हो जाती है, तो सन आकर कहता है, तुम भी हार ही गए ना? मॉर्क कहता है, मैं हारा नहीं हूँ। मॉर्क कचरे में से कॉफ़ी बीन्स का खाली पैकेट उठाकर कहता है, आपको यही चाहिए था ना? सन पैकेट लेने वाला होता है, पर मॉर्क कहता है, आपको इसके बदले में मुझे भी इस कैफ़े की तरह स्मोक करने की परमिशन देनी होगी। सन मान जाता है। मॉर्क उसे पैकेट दे देता है। नॉन काओ से शर्ट वापस लेने आता है, पर काओ की जगह पीत शर्ट रिटर्न करने आता है। नॉन काओ को ढूंढने लगता है, तो पीत कहता है, काओ यहाँ पे नहीं आया है। अब स्टोरी पास्ट में आती है। पीत काओ को कहता है, तुम्हारी जगह शर्ट रिटर्न करने मैं जाऊंगा। काओ मना करता है, तो पीत कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। अब स्टोरी प्रेजेंट पे आती है। पीत नॉन को कहता है, काओ कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, इसीलिए वो तुम्हें कह नहीं पा रहा है। उसकी जगह मैं ही तुम्हें कह देता हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड काओ से दूर रहो। नॉन कहता है, क्या आप अपने हर फ्रेंड की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं या फिर सिर्फ काओ की? पीत कहता है, तुम्हारा इस बात से कोई लेना नहीं है, तो तुम हमारी लाइफ से दूर रहो। ये कहकर पीत उसे शर्ट देकर चला जाता है। सन पैकेट से स्टिकर हटाकर फार्म का नाम पता कर लेता है जहाँ से वो कॉफ़ी शॉप वाले कॉफ़ी बीन्स लेते हैं।
मॉर कहता है लुंगचाई फार्म कहाँ पे है। सन उसे अपना मोबाइल देता है। मॉर कहता है इसमें तो कई सारे फार्म हैं इस नाम के, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है। सन कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं अगर हर फार्म गया तो मुझे लंबे वक्त के लिए कैफे बंद करना पड़ेगा। मॉर कहता है आप अपनी फेवरेट कॉफी बीन्स ढूंढिए, मैं और रेन कैफे संभाल लेंगे। सन को परेशान देखकर मॉर्क सन का हाथ पकड़कर कहता है ये आपका सपना है तो आप हार मत मानिए। काओ को अपने स्कूल में देखकर नॉन उससे पूछता है कि आप शर्ट रिटर्न करने खुद क्यों नहीं आए, क्या आप मुझसे इतना हेट करते हैं। काओ कहता है ऐसी बात नहीं है, पर कभी कभी तुम चीज़ें ओवर करने लगते हो। नॉन सॉरी कहता है। काओ की माँ दोनों को साथ देख कर बातें करने लगती है। बातों बातों में नॉन कहता है कि मैं भी काओ की तरह उसी कॉलेज में जाना चाहता हूँ ताकि मुझे भी पीत जैसे अच्छे फ्रेंड मिले जो मेरी वैसे ही केयर करे जैसे पीत काओ की करते हैं। ये कहकर नॉन चला जाता है। काओ की माँ भी क्लास के लिए चली जाती है। डीन पीत को यंग ईयर कैंप में ओपनिंग स्पीच देने को कहते हैं। पीत मना करने की कोशिश करता है तो डीन कहते हैं कि पहले भी अबाउट अ बॉयज के पार्टिसिपेंट्स ही स्पीच देते आ रहे हैं तो इस बार भी तुम अच्छे से सोच लो। पीत अपने फादर के लिए डिनर बनाता है। सब लोग मस्ती मजाक करके खाने लगते हैं। पीत के फादर पूछते हैं तुम्हारी इंटर्नशिप कैसी चल रही है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। पीत मना करके कहता है कि मैं भी काओ की तरह टी पावर में ही अप्लाई करूंगा। पीत के फादर पूछते हैं क्या तुम श्योर हो। पीत कहता है मुझे पता है कि ये मुश्किल है पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ। पीत के फादर काओ को कहते हैं पीत जब से तुम्हारे साथ है वो काफी मेच्योर हो गया है। पीत कहता है मेरा फैन ही इतना अच्छा है। काओ से कहता है तुम अपने फादर के सामने मुझे ऐसे मत बुलाया करो। पीत के फादर कहते हैं पीत तुम्हें कैसे भी पुकारे इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे तुम दोनों का रिश्ता अच्छे से पता है। और भले ही पीत किसी को भी डेट करे अगर वो इंसान अच्छा है और पीत को अच्छा बना रहा है तो इससे मुझे खुशी ही मिलेगी। पीत के फादर पूछते हैं क्या तुमने अपनी माँ को इस बारे में बताया है। काओ मना करता है। पीत कहता है ना जाने कब काओ अपनी माँ को बताएगा। पीत के फादर पीत को कहते हैं तुम काओ को थोड़ा वक्त दो, सभी फैमिलीज अलग अलग होती हैं तो बात करने में उसे प्रॉब्लम तो होगी ना। सब लोग मस्ती मजाक करके खाने लगते हैं। काओ पीत को कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे फादर इतने ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे, मुझे भी ऐसे ही फादर चाहिए जिनसे मैं हर बात शेयर कर सकूं। पीत कहता है सोचा तो मैंने भी नहीं था कभी, उनकी बात सुनने के बाद मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में आ रही है। पीत पूछता है क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं सच में बदल रहा हूँ। काओ हाँ कहता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम नॉन से ठीक से बात कर पाओगे। पीत कहता है अगर मैं पहले जैसा होता तो मैंने उसे पक्का पंच मार दिया होता। पीत कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने फादर को प्राउड फील करवा पाऊंगा पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। पीत कहता है हम भी तो कॉमन इंसान ही हैं तो हमें खुद को बाकियों से ज़्यादा प्रूव क्यों करना पड़ता है। काओ कहता है हमें अपनी सेक्सुअलिटी के कारण सबसे ज़्यादा अच्छा करना पड़ता है। पीत कहता है मैं खुद के लिए अच्छा करना चाहता हूँ ना कि अपनी सेक्सुअलिटी के कारण। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। पीत काओ को डीन वाली बात बताता है। काओ पूछता है क्या तुम ये कर पाओगे। पीत कहता है मैं कोशिश करूँगा। काओ कहता है मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं। जो अबाउट अ बॉयज़ के पार्टिसिपेंट्स को ऐसे प्रोडक्ट का आइडिया सोचने को कहता है जो फैमिली रिलेशनशिप को प्रमोट करे। पीत कहता है कि मैंने अभी कोई भी आइडिया नहीं सोचा है। नॉन भी कहता है कि मैं भी सोच ही रहा हूँ। जो सबको कहता है ये तुम सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छे से सेल होगा तो तुम्हें ही ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, तो तुम लोग इस बात पर सीरियसली सोचो। सैंडी को यंग ईयर कैंप में क्या एक्टिविटी करवानी है ये समझ नहीं आ रहा होता है तो वो कंप्लेन करने लगती है। थड़ा कहता है हम सब कुछ ना कुछ तो सोच ही लेंगे तो तुम चिंता मत करो। सैंडी कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से ही हमारे गैंग को सब कुछ हैंडल करना पड़ रहा है तो तुम तो चुप ही रहो। थड़ा कहता है मेरे मार्क्स खराब थे तो मुझे टीचर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, इसमें मेरी क्या गलती है। सैंडी कहती है तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मुझे कैंप लीडर बना दिया। काओ दोनों को चिढ़ाने लगता है। जून आकर पीत से पूछता है क्या तुम सच में ओपनिंग स्पीच देने वाले हो। पीत हाँ कहता है। जून पूछता है तुम क्लास में तो प्रेजेंटेशन दे नहीं पाते हो ठीक से, क्या तुम ये कर पाओगे। पीत कहता है काओ ने भी यही कहा मुझसे। जून पीत को चिढ़ाने लगता है तो पीत कहता है काओ मेरी मदद करने वाला है। जून दोनों को चिढ़ाने लगता है। मॉर्क को सन के कैफे में काम करता देख काओ सन को कहता है मुझे तो लगा था आप उसे हेट करते हो, फिर आप दोनों इतने क्लोज कब से हो गए। सन कहता है उसे पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने बस हेल्प की है और कोई बात नहीं है, पर मॉर्क अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम करता है। काओ कहता है आप उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो इसका मतलब अब उसने मेरी जगह ले ली है। सन कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम जाकर अपने स्टूडेंट को पढ़ाओ। काओ कहता है मुझे पता है आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है।
काओ अपने स्टूडेंट को पढ़ाने आ जाता है। मनाओ मॉर्क को देखकर काओ से ब्रेक मांगकर मॉर्क से बात करने आती है। सन और रेन दोनों को देख रहे होते हैं। मनाओ पूछती है, रेन ने आपको जो केक दिया था वो आपको कैसा लगा? मॉर्क पहले तो कंफ्यूज हो जाता है, फिर झूठ बोल देता है कि उसने केक खा लिया है और उसे केक अच्छा लगा। रेन को परेशान देखकर सन पूछता है, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो? पहले तो रेन मना करता है, पर फिर कहता है मैं मनाओ को लाइक करता हूँ। पर मनाओ हमेशा मॉर्क की ही बातें करती रहती है। सन पूछता है, क्या मॉर्क भी उसे लाइक करता है? रेन कहता है, मुझे नहीं पता है। न्यूज़ में एक स्टूडेंट की सुसाइड का केस देखकर काओ की माँ काओ को कहती है, अगर तुम्हें किसी बात का भी स्ट्रेस हो तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम मुझे ना बता पाओ तो तुम अपने फ्रेंड या फैन को बता सकते हो। काओ कहता है, मैं पढ़ाई में इतना बिजी हूँ, इसीलिए मेरे पास सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, फैन नहीं है। काओ की माँ कहती है, आजकल सिर्फ पीत ही यहाँ पे आता है, तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स कहाँ पे हैं? काओ कहता है, मैं आजकल उनसे कॉलेज में ही मिलता हूँ, और पीत के साथ मुझे असाइनमेंट करना होता है, इसीलिए वही यहाँ पे आता है। काओ की माँ किचन में चली जाती है। पीत काओ को कहता है, तुम्हारी माँ के लुक से मुझे लगता है कि उन्हें हमारे बारे में पता है, तो तुम उन्हें बता सकते हो। काओ कहता है, मैं भी रेडी नहीं हूँ। पीत कहता है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में ज़रूर पता होता है, वो उस बारे में उनसे बात करें या ना करें ये उनकी चॉइस है। रात में काओ को सोच में डूबा देख पीत पूछता है, क्या तुम अभी भी उसी बारे में सोच रहे हो? काओ कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कैसे करूं। पीत कहता है, मैंने जैसे बताया था तुम भी वैसे ही बता दो। काओ कहता है, तुमने अपने फादर को बताया नहीं था, बल्कि तुम पकड़े गए थे। पीत कहता है, तो तुम भी यही कर लो ना। काओ कहता है, तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है क्या? काओ को पीत का कोई भी आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता है, तो पीत कहता है, तुम्हें तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। काओ कहता है, मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि मैं अपनी माँ से बात कैसे करूँ, इसीलिए मुझे वियर्ड लग रहा है। पीत कहता है, हमें इस बारे में बचपन से ही बातें करनी चाहिए थी, ताकि अभी हमें इतना सोचना नहीं पड़ता। पीत के आइडियाज सुनकर काओ कहता है, मैं सीरियस हूँ तो तुम भी मजाक मत करो। पीत कहता है, मैं भी सीरियस हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें एक्सेप्ट कर सकती है, तुम्हें बस जाकर उन्हें बात बतानी है। पीत काओ को स्माइल करने को कहता है। दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं, तभी नॉन काओ को वीडियो कॉल करता है। पीत काओ को कॉल रिसीव करने को कहता है। काओ नॉन से पूछता है, क्या तुम्हें कोई काम है? नॉन कहता है, क्या मैं आपको बिना काम के भी कॉल कर सकता हूँ? काओ कहता है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं सोने जा रहा हूँ। नॉन कहता है, मुझे आपकी अबाउट अ बॉयज़ कॉम्पिटिशन के आइडिया में हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे कोई भी अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है, और आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। तभी पीत काओ से मोबाइल लेकर कहता है, काओ के पास तुम्हारे लिए कोई भी आइडिया नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम काओ को तंग मत करो। पीत कहता है, हम दोनों अब सोने जा रहे हैं। पीत नॉन को मिडिल फिंगर दिखाकर कॉल कट कर देता है। पीत काओ को कहता है, अब नॉन तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। सन मॉर्क को ड्रॉप करने की बात करता है, पर मॉर्क मना करता है। सन कहता है, मुझे तुम्हारे घर के पास से डिनर भी खरीदना है। मॉर्क कहता है, वहाँ पे कौन सा स्टोर है? सन कहता है, मैं तुम्हें राइड देना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मॉर्क मान जाता है। सन मॉर्क को उसके साथ डिनर करने को कहता है। मॉर्क कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। सन को दूसरी डायरेक्शन में जाता देख मॉर्क कहता है, मेरा घर तो पीछे ही रह गया। सन कहता है, तुम मेरे साथ कॉफ़ी बीन्स ढूंढने चलो। मॉर्क मना करता है, तो सन कहता है, अब वापस आने के लिए बहुत देर हो चुकी है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।